could not read line from socket error. Infinity पे आजकल error आ रहा है कि could not read line from socket. Error कब आ रहा है कि जब हम file manager पे connect करने की कोशिश करते हैं या files upload करने की कोशिश करते हैं, edit करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास एक error आ रहा है, could not read line from socket. Error ऐसा है कि हम connect ही नहीं कर पाते हैं hosting से. तो इस एरर में अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने फाइल्स को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉब्लम में है. बहुत से लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि एडसेंस वगैरह कनेक्टेड होता है, तो कुछ लोगों का तो फोरम ही इस पे चलता है. तो वेबसाइट डाउन है अभी हमारी क्योंकि हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं. वेबसाइट तो चल रही है लेकिन हम कुछ वगैरह अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं. तो कैसे हम ये एरर सॉल्व करेंगे आज वो वीडियो में देखेंगे. दोस्तों इन्फिनिटी फ्री फोरम पे इस इशू को उठाया गया है लेकिन अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस पे नहीं आया है. तो अभी मैं एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, आप इसे एज अ परमानेंट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी. तो अभी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ. फाइलजिला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज कर सकते हैं फाइल अपलोड करने के लिए, फाइल्स अपनी डाउनलोड करने के लिए, और साथ ही साथ आप उससे फाइल्स वगैरह एडिट भी कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फाइलजिला सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं, और हम कैसे कुड नॉट रीड लाइन फ्रॉम सॉकेट एरर को बाईपास कर सकते हैं. चलिए दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ये सब, लेकिन अगर आप वेबसाइट नहीं बना, यानी वेबसाइट आपको नहीं आता है बनाना, ब्लॉग वगैरह आप सेटअप नहीं करना आता है आपको, तो वो सब आप आई बटन की वीडियो पे देख सकते हैं. तो यहाँ पर दोस्तों आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सिंपली सर्च करेंगे फाइलजिला डाउनलोड. ऐसा लिखने के बाद आप फाइलजिला डाउनलोड, और यहाँ से आप सिंपली पहली वाली लिंक पे filezilla-project.org पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप डाउनलोड फाइलजिला क्लाइंट और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पर डाउनलोड मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है. तो यहाँ पर हम चलेंगे अब फाइलजिला में. फाइलजिला कुछ तकरीबन 10 MB का है, तो चलते हैं फाइलजिला पे. और यहाँ से मैं फाइलजिला सर्च कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ. फाइलजिला एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप जो है फाइल्स को अपलोड करते हैं, एडिट वगैरह करते हैं. आजकल होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो है इंस्टॉल देते हैं ऑलरेडी. तो यहाँ से हम इन्फिनिटी फ्री फोरम को यानी होस्टिंग को ओपन करेंगे क्योंकि हमें डिटेल्स चाहिए, FTP डिटेल्स जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की डिटेल्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FTP डिटेल्स हमें मिल चुकी है. तो इसी से हम कनेक्ट करेंगे फाइलजिला प्रोजेक्ट को अपने होस्टिंग से. तो यहाँ पर सबसे पहले हम होस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और पोर्ट, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो होस्ट में हम डालेंगे ftpupload.net. तो उसके बाद यूज़र नेम कॉपी करके आप इजीली डाल सकते हैं, और उसके बाद पासवर्ड. और उसके बाद पोर्ट 21. और उसके बाद आप क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिशड, वेरीफाइंग सर्टिफिकेट, TLS कनेक्शन एस्टैब्लिशड. तो हम जो है लॉग इन हो गए हैं अपनी वेबसाइट पे. तो यहाँ पर आप HT Docs फोल्डर देख सकते हैं. अब हम एडिट वगैरह करके मैं आपको दिखाऊंगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इमेज अपलोड करेंगे. तो अपलोड कैसे करना है, आपने सिंपली जो है इसको पहले हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे. सिंपल इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप से अपलोड हो जाता है. तो यहाँ पर मैं माय कंप्यूटर ओपन करूँगा. माय कंप्यूटर से एक इमेज हम सिलेक्ट करेंगे. तो इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ड्रैग करेंगे और फाइलजिला पे आएंगे और जस्ट ड्रॉप एंड अपलोड. आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद ये कुछ सेकेंड्स लेगा अपलोड करने में. यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है, और अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से अपलोड हो रहा है. थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी हम वेट करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली. तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है फाइल्स यहाँ से आप देख सकते हैं फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है. इसी तरह से यहाँ पर बहुत से और कुछ जो काम हम करते हैं, एडिट वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल जो अपलोड हो चुकी है. अब यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, रीनेम वगैरह, डिलीट, सब कुछ यहाँ पर
आप कर सकते हैं, आप फाइल परमिशंस भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये फाइलज़िला सॉफ्टवेयर जो है वर्क करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।